क्या नाम है आपका? प्रतिमा। प्रतिमा क्या हुआ था? सर मैंने ना मुंबई का घर बेच के यहाँ पर एक प्लॉट लिया था वेस्ट कॉलोनी में, एक प्लॉट लिया हुआ था, तो अब उसका पेमेंट करना था। पति ने मेरे उनके ना जिम खोलने के लिए मेरे से 10-15 लाख रुपए ले लिए, ये बोल के कि बाकी पेमेंट मैं कर दूंगा लोन करके, और बाकी 10 लाख रुपए मैंने उनको चेक से दे दिया जो सामने वाले हरीश असरानी थे। और जब आज पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने मेरे को धमका के ये बोला कि पहले तो तू तलाक देगी तो ही हम तेरा पूरा पेमेंट वापस करेंगे, और बच्ची है सर 2.5 साल की, मैं भी तलाक दे के जाऊँगी वहाँ पर। आरिफ अली जिम चलाते हाउसिंग बोर्ड में, तो कोई मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे किसी ने बोला कि सर मदद करेंगे वहाँ चले जाओ आप। शुरू से पूरी चीज बताइए, आप कहाँ रहते थे? सर मैं मुंबई में रहती थी पहले, और अभी मैं व्यास कॉलोनी में घर ले चुकी हूँ एक 30 लाख रुपए में। व्यास कॉलोनी है शिव जी के मंदिर के पास, हाँ रावणच। सर उनके जिम में ही हुई थी मुलाकात, सुभाष नगर में। तो आप आज पेमेंट देना था सामने वाले को रजिस्ट्री करने के लिए, इन्होंने बोला था मैं बचा हुआ जो मैंने आपसे पैसे ले लिए ना 10-15 लाख ये मैं दे दूंगा आपको, तो आज अचानक बोल रहे कि 15 लाख नहीं दूंगा, एक तरफ साइन करोगे तलाक की तब आपके पैसे रिटर्न करूंगा। तो मैंने बोला मेरे ही पैसे रिटर्न करने में आप मुझसे तलाक कैसे मांग सकते हो, वो तो बात की बात है अगर आपको नहीं जम रहा है, लेकिन जो पेमेंट देना है वो अंकल भी मुझे धमका रहे थे स्टार्टिंग में कि घर खाली कर दो क्योंकि पूरा पेमेंट नहीं दे पाए आप लोग भी। लव मैरिज सर मुस्लिम परिवार में हुई थी 2020 में, मैं जिम में सुभाष कॉलोनी में आरिफ अली से मिली थी, तो उसके बाद लव मैरिज प्यार हो गया, फिर हमने शादी कर ली। शादी करने के कुछ 2-3 साल बाद मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, शादी हुई इसलिए मैंने इन्होंने बोला कि वो बीच में प्रॉपर्टी छोड़ दो आप, अपन यहाँ घर ले लेते हैं जयपुर में ही कहीं पर भी, तो मैंने वहाँ 30 लाख में घर छोड़ दिया, सौदा करके आ गए। तो इन्होंने मुझसे ना झूठ बोल के पैसे ले लिए, ये बोल के कि मुझे जिम ओपन करना है तो जो पेमेंट है ना अंकल को सामने वाले को देना है वो मैं दे दूंगा थोड़े दिन में। अब ये अंकल पेमेंट मांगते हैं तो ये हाथ ऊपर कर लेते, कभी ये बोलते कि मेरा भाई देगा, भाई बोलते कि मैंने तो लिया नहीं ये इसने दिए तो यही देगा। और आज पेमेंट देने की बात आई थी सुबह, यही बात करके घर से निकली थी मैं कि उन्होंने बोला था आप पेमेंट ले जाना आप दे दो और मेरे को आपके साथ रजिस्ट्री नहीं करनी, आप अपना अकेला कर सकते हो, तो मैंने बोला था चलो अकेले कर लूँगी जैसा भी रहेगा। तो वहाँ जाने के बाद वो तो तलाक की डिमांड करने लग गए कि आप के जो 14-15 लाख जो देने ना आप तलाक दोगे तो ही पैसे देंगे, नहीं तो अदरवाइज़ आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। सर ये पैसों के खातिर ही हुआ है, मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। सर लग ही रहा है लव जिहाद है, पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया, इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, रोजे रखने स्टार्ट कर दिए, और बुरखा भी पहनाने बोला, मैंने कोई बात नहीं इसकी भी हरगिज़ नहीं करी कि कोई बात नहीं उनके धर्म में जैसे रहते हैं वैसे रहूँगी, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पैसे लेने के बाद मुझे इतना मजबूर करेंगे, मेरी ना ये डेंगू का इलाज चल रहा है, मेरे पास सारे रिपोर्ट पड़े हैं, कल तक के रिपोर्ट सारे पड़े, उसमें भी कोई खर्चा नहीं देते, और इनकी पहले शादी हुई थी ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह प्रेट में रह गई थी। क्या आपको अलग से रखा हुआ था मुंबई में? नहीं यहाँ पर वेस्ट कॉलोनी में मैंने खुद लिया सर, इन्होंने तो मुझे रेंट पर रखा था तो वहाँ रेंट भी नहीं भरते थे तो वहाँ से हमें निकाल दिया था, नहीं यहाँ पर रामनगर में एक रेंट पर फ्लैट था तो रातों रात उन्होंने भी खाली करवा दिया, ये बोल के कि तेरा पति रेंट ही नहीं देता वक्त से, फिर वो वहाँ से पैसे लाए थे वो यहाँ पर सौदा करके घर ले लिया, अब पता नहीं उस बात को लेके तलाक पे आ गए। सर ये बोल रहे कि पेमेंट मांग रही है तू जो दिया हुआ जिम में, और ये मैं मेरे पास नहीं रखने वाली हूँ वैसे भी, जो सामने पार्टी है ना उनको देना था ये बात पता है उनको, आप जो ऑनर है ना उनसे भी बात करवा सकती हूँ, उनको तो सारी चीज़ें पता ही है। नहीं आए हुए मम्मी पापा यही आए हुए, बच्ची अभी उन्हीं के पास है मेरी, नहीं अभी तो उनसे बात हुई है तो वो अभी जस्ट पहुँचे ही हम, अभी वो कार्रवाई करेंगे जैसा भी रहेगा। 2021 में हुआ था प्रतिमा, और अभी भी वही नाम है, चेंज ही नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया? वो बोले थे कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो अभी नहीं करा सकते, धर्म चेंज करा दिया, नाम चेंज कराना रह गया। सर लव जिहाद ही हो गया। हाँ सर, सर मैंने ना वो
गूगल से नंबर निकाला था और कोई जानकार है मेरे तो मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे नंबर है। पुलिस वाले स्टार्टिंग में जब गई थी शास्त्री नगर तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते करके, तो आप तो जाओ कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाओ। तो किसी जानकार ने बोला था कि कोई विधायक है तो उनके पास जाओ, हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए। हाँ सर, जानते थे मुस्लिम है, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपको भी मुस्लिम बनना है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। बाद में फिर मुस्लिम बन गए, फिर मंदिर आज भी है, उन्होंने हटाने बोला था, हमने कभी मंदिर भी नहीं हटाया। आप क्या चाहते, क्या हुआ? सर मैं तो मेरा हक चाहती हूँ, जो उनके वजह से मेरा घर मेरे नाम पे नहीं हो रहा है और वो तलाक की डिमांड कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। जब तलाक आपको नहीं रहना है वो बात बात है, मैं दे भी दूंगी, लेकिन ऐसे परेशान करके टॉर्चर करके तो कौन करेगा। अब मेरे पैसे मांगने से मुझसे तलाक मांगेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। और 2.5 साल की बच्ची है, उनको पता है, वो भी बीमार चल रही है, उसकी ब्लीडिंग आती है नाक से। 15 लाख रुपए सर, 10 लाख तो मैं मेन ओनर को दे चुकी हूँ। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है ये। इस बच्ची का लगातार फ़ोन आ रहा था, मेरे सभी फ़ोनों पर संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी ये, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का इनको संपर्क सूत्र दिया, मैं कि आप कार्यालय पे आके मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियां कई बार पहले भी आ चुकी है और मुस्लिम बच्चियां भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएं लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। विषय क्या है बहन? बोले विषय ये है कि मैं अभी डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है, तो इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई, जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की। और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। और तीन बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्में जो झूठ बताते हैं, वह झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया और इस बच्ची के, एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपा कर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इसको आनंद फानंद में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया, जयपुर में किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं, तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश की, मारपीट की इसके साथ में। और आज ही बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये हैं, अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है। और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है, और आता है वो इससे या फोन पर बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तुम मुझे तलाक के पेपर साइन कर तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है? तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है, इस पर प्रेशर दिया, गुरका पहनेगी, तेरे को नवाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है वो दिखाना, एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा, डेंगू की पेशेंट, 500 रुपये अकाउंट में बचे, खाने को दाने नहीं है। 2 माँ बाप बूढ़ों की जिम्मेदारी इसकी है, एक बच्ची 2.5 साल की इसकी जिम्मेदारी है, और ऊपर से वो इसको आज ताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो सीधा सीधा जिहाद का मामला है साहब। इस प्रकार से भोली वाली बच्चियाँ महिलाएँ फंस जाती हैं, फंसा दिया जाता है, उसके बाद में टुकड़े करके बोरियों में डाल दिया जाता है। और ये उससे पहले पहले अपने आप को बचाती हुई ये मेरे पास, मेरे कार्यालय खुद आई है, मैं जानता भी नहीं था इसको, पूरा दिन बैठी रही है ये। मैंने सोचा कि हो सकता है इनका आपसी झगड़ा हो, सुलझा लेंगे, पूरा दिन बैठी रही है ये।
पूरा दिन बैठने के बाद मैं इसमें कहा भाई तो बोले नहीं मेरे को तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करे हुई है। तब मैं यहाँ आज पुलिस कमिश्नर लेके आया हूँ इसको, और ये खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, कोई वकील नहीं है साथ में, खुद ही अपनी शिकायत जो उसने कहा है वह दर्ज करा रही है। और जो अत्याचार हुआ है, जो उसके साथ में जिहाद हुआ है, जिस प्रकार से ताड़ना इसको दी गई है, सारी संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी सब ले ली, इसका धर्म बदलवा दिया, इसके आंसू नहीं सूख पा रहे, स्थिति देखें आप बच्चे की, पता नहीं कितनी अनगिनत कैसी बच्चियों के साथ इस प्रकार की हो रहा है। ये बोली कि मैं हज़ारों बच्चियों को बचाना चाहती हूँ, जो हज़ारों बच्चियाँ फंस रही है, जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, और लव जिहाद के माध्यम से या जिम के ट्रेनर के माध्यम से या अन्य कोई और माध्यम से बच्चों का जो जीवन खराब किया जा रहा है, मैं उनकी बोले उनके लिए मैंने कहा तेरे को सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कैमरे पे आना पड़ेगा, बोल, बोले मैं तैयार हूँ। इससे पहले मेरे लाइव बोला, उसके बाद ये कमिश्नरेट आई और आपके सामने बता रही है, ये सच्चाई है। तो मेरी तो प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि इस प्रकार के इन जिहादों से बचें और अपने आप को बचाने का प्रयास करें, नहीं तो ऐसे इस प्रकार से ठगाए जाएंगे। हो सकता है ये कोई काट के बोरों में मिलती, उससे पहले ये भाग के आ गई है और अपने आप को बचाने के लिए गुहार कर रही है। तो आप हम सबको सचेत रहना है, और ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिहाद के नाम पर बच्चियों को बरगला रहे हैं, एक एक दो दो तीन तीन निकाह विवाह करके और बच्चियों को फंसा रहे हैं, और उसके बाद में सब कुछ लूट कर बच्चियों को तीन तलाक का प्रेशर दे रहे हैं। तो इन लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अब कानून बन चुका है, ये अब वो जमाना नहीं रहा कि बोल दिया फ़ोन पर हो गया तलाक, अब कानून है, उसका तरीका है, उसका अधिकार है। अब मुस्लिम महीनों को भी अधिकार मिल चुका है, उनको इस प्रकार से आप तलाक देकर आप उनका जीवन नरक नहीं बना सकते। बिल्कुल, मैं साहब के पास आया हूँ, मैंने कहा है कि साहब इसको बच्ची को डर भी है, इसको सुरक्षा भी दी जाए, ये आज आने जाने में भी इसको असुविधा है, क्योंकि इसको धमकियाँ मिल चुकी है कई प्रकार की, और वह एक सज्जन तो हैं वो इनके जो शोहर और एक उनका भाई है वकील, वो मारपीट कर चुका है इनके साथ में और इनको कई बार धमका चुका है, तो इसलिए ये अपनी सुरक्षा भी चाहती है। और जो इसका पैसा उसने लूट लिया है, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके चक्कर में 30 लाख की बेच ली, गहने बेच दिए, सारा सब कुछ इसका ले लिया, वो भी इसको चाहिए, और उसने जो अपराध किया उसकी सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए, उसके लिए स्वयं चल कर आई है। ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी बच्ची, इवेंट कंपनियों इनमें काम करती थी, उसी संदर्भ में वो जिम में मिला इसको, जिम के माध्यम से इस बच्ची को लेके आया है जैसा ये बता रही है।